हेलो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर एस के सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 24 है। चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने पूरा प्रयास किया है इजीली सॉल्व करने का। अकाउंट्स का जो है पहला चैप्टर का 24 नंबर क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है। अग्रलिखित प्राप्ति भुगतान खाते से दरभंगा स्पोर्ट क्लब का 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयव्यय खाता बनाइए। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और नीचे कहता है जो इन्फॉर्मेशन है ना, प्रबंध समिति ने दान एवं वसीयत का 50% पूंजीगत प्राप्ति और आयगत शेष आयगत प्राप्तियां मानने का निर्णय किया। कहने का मतलब है कि जो भी डोनेशन मिला है ना, उसका 50% जो है आपके लिए इनकम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डोनेशन सीआर में 50%। कितना है डोनेशन? 10,000 है, तो आधा कर दो, कितना हो गया? 5,000। और वसीयत लीजिए सीज 8,000 है, तो आधा कर दो 4,000। इसके अलावा जो बच गया वो आप देख लीजिए क्या सब आएगा। सब्सक्रिप्शन आएगा, चंदा इनकम होता है 30,000 है, और इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट 1,400 है, और मिसलेनियस रिसीप्ट 3,600, और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ ये पेमेंट में है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बिल्कुल आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 32,000 है, और रिपेयर खर्चा है आएगा रिपेयर 1,600, रेंट खर्चा है बिल्कुल आएगा 1,000, इन्वेस्टमेंट संपत्ति या नहीं आएगा, सैलरीज 7,000, फर्नीचर नहीं आएगा, कैश बैंक एसेट से नहीं आएगा। बस इसको आप बैलेंस कर लीजिए। क्योंकि छात्रों का रिक्वायरमेंट था कि सर इसको सॉल्व करके आप दीजिए, तो मैंने सॉल्व करके दे दिया। और यदि यह सॉल्व किया हुआ आपको समझ में आया होगा तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए अब हम ऐड कर लेते हैं। 3, 1, 4, 1, 5, 5, 10, 4, 14 और 30, 44,000। इसको आप लेस कर दीजिए, जो आएगा वो सरप्लस कहलाएगा। ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6, 4, 10, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 7, 12, 2, 14, 2400 आ गया। बस और तो कुछ नहीं है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। ओके, थैंक यू।